मैं तो किसी को ब्लेम नहीं कर रहा, मैं तो दुआ करता हूँ और 10 लोग आए ऐसे परफॉर्म करके। मुझे तो कभी जलन होती नहीं। अगर आप दूसरे को सक्सेस की एंजॉय को एंजॉय करना सीख लोगे ना, तो मुझे लगता है और मच बेटर प्लेयर बनोगे आप। मैं कुछ नहीं करता, बस जो है ऊपर वाला देने वाला है। तो मेरे को ये बताओ, ये जो स्टोरी है आपकी, इसकी स्टोरी तो बता दो थोड़ी सी, सबको कॉन्टेक्स्ट दे दो सबको थोड़ा सा। नहीं, एक्चुअल में क्या है, बहुत कई दिन से सुने जा रहा था, जब से वर्ल्ड कप चल रहा है, मैं तो खेल नहीं रहा था। जब मैं खेला तो 5 विकेट लिए, नेक्स्ट मैच में 4 विकेट लिए, फिर से 5 विकेट लिए। वो कुछ पाकिस्तान के प्लेयर्स को हजम नहीं हो रही बात, अब मैं क्या करूं, क्योंकि उनके दिमाग में ये है हम बेस्ट हैं। भाई बेस्ट वो होता है जो टाइम पे परफॉर्म करे, मैं उसी को मानता हूँ, जो हार्ड वर्क करे, जो परफॉर्म करे, जो टीम के लिए खड़ा है। अब आप उसमें कंट्रोवर्सी बनाए चले जा रहे हो, सुनाए चले जा रहे हो, तुम्हें बॉल कुछ और कलर की मिल रही है, तुम्हें बॉल कुछ और कंपनी की मिल रही है, आईसीसी ने तुम्हें अलग से दे दिया। अरे भाई सुधर जाओ यार। और उनकी वही चीज वसीम भाई ने भी एक बिल्कुल इंटरव्यू में जो उनका चलता है उसमें समझाई है क्लियरली, कि कैसे बॉल आती है बॉक्स में, कैसे चूज करते हैं, कौन सी टीम पे पहले जाते हैं। उसके बाद भी अच्छा, तब भी समझ में आता है अगर आप प्लेयर ना हो, अगर आप एक प्लेयर नहीं हो, आप एक उस लेवल में नहीं खेले हो, तो भी समझ में आती है बात। आप एक्स प्लेयर हो, आप ये सब बातें करोगे तो मुझे नहीं लगता कि लोग हंसने के अलावा कोई और काम तो करेंगे। हंस ही रहे हैं सब इस बात पे, और आपने अपनी स्टोरी डाल के उसको नहीं, मैं और मानता हूं मैं थोड़ा सा कड़वा हूं बोलने में, बट नहीं, भाई कड़वा नहीं ऐसी है, चीज पे तो बोलना पड़ेगा।